Hello students, now today I again summarize binary operation. Let G be a non-empty set. A function denoted by star from G cross G to G is called a binary operation on G if A star B belongs to G for all A B belongs to G. Binary operation define करते वक्त सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो हम set consider कर रहे हैं वो set हमारा non-empty set होना चाहिए. Binary operation star हम define कर रहे हैं G जो बाइनरी ऑपरेशन इट मींस अ फंक्शन दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी. जो हम एलिमेंट्स कंसीडर कर रहे हैं ए बी ए बिलोंग्स टू फर्स्ट जी बी बिलोंग्स टू दिस जी देन ए स्टार बी जो एलिमेंट आए वो भी किसका आना चाहिए जी का आना चाहिए एंड इफ दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी देन वी से दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन. इन अनदर वर्ड्स एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट्स ऑफ अ सेट to give to another element of same set is called a binary operation or binary composition. If we operate any two elements a and b of g under star then the resulting element a star b is also in g. Now first example is ordinary addition. This is a binary operation on z where z is the set of integers. आप चेक करके देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स कंसीडर करते हैं तो उनका सम भी हमेशा क्या होगा एक इंटीजर ही होगा. सो दिस ऑर्डिनरी एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड. सेकंड इसी तरह ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन दिस इज आल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन अ इंटीजर. थर्ड एग्जाम्पल में ये कंसिडर कर रहा है सेट 1-1 आयोटा माइनस आयोटा. ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट because you can take any two elements multiply them and you can check the resultant element also belongs to this set. But ordinary multiplication is not a binary operation on this set because when you multiply these two elements the resultant element doesn't belongs to this set. Next example ordinary subtraction is not a binary operation on n. n is the set of natural numbers. agar aap koi bhi do element consider karte ho से अगर आपने 3 और 2 कंसीडर किया और डिफरेंस आप 3 माइनस 2 लेते हो तो 1 वो तो 1 आल्सो बिलोंग्स टू n. बट हम जो रिजल्ट बोलते हैं रिजल्ट में हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हर एलिमेंट के लिए होल्ड करना चाहिए. और अगर आप एलिमेंट इस तरीके से ले लेते हो 2 और 3 2 माइनस 3 कंसीडर लेते हो तो रिजल्ट आएगा -1 बट -1 डजंट बिलोंग्स टू n. सो ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n. जो इसने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ये जो हम काम कर रहे हैं इसमें जो हमने मैट्रिक्स कंसीडर किया दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वेयर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. जब किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को जो इस टाइप की मैट्रिक्स होंगी जब आप उनको ऐड करोगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा आपके पास मैट्रिक्स आएगी और उसके हर एलिमेंट भी क्या होगा रियल नंबर. क्योंकि इन एक्चुअल जो आप ऐड कर रहे हो एलिमेंट्स को वो एलिमेंट्स कैसे हैं रियल नंबर्स और जब दो रियल नंबर को ऐड करते हो तो अगेन रिजल्ट जो आएगा वो आपका क्या होता है एक रियल नंबर. सेम for multiplication when we multiply two real numbers again we get a real number. so matrix addition and matrix multiplication is a binary operation on this set of matrix where elements belongs to the set of real numbers. the basic operations addition subtraction and multiplication are binary operation on the set of reals. in natural jo hamari general life mein jo hum baat karte hain operations ki addition subtraction aur multiplication ye sare kya hain binary operation hai सेट ऑफ रियल नंबर्स पे. नेक्स्ट है इसमें कंपोजिशन टेबल. कंपोजिशन टेबल आप लोगों ने ड्रॉ कर रखी है आप लोगों को आती है बनानी. इसमें हमने कंसीडर क्या किया है सेट जी. जी सेट में हमने जो एलिमेंट्स कंसीडर किए वो एलिमेंट लिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का हमने सेट कंसीडर किया हुआ है और इस पे जो बाइनरी ऑपरेशन हम डिफाइन कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन एज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी. देखो कंपोजिशन टेबल ड्रॉ की रो वाइज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिखना है कॉलम वाइज लिखना है और 1/1 आपने इसको मल्टीप्लाई करते चलना है. 1 × 1 1 1 × ओमेगा ओमेगा 1 × ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा को मींस जो आपका एक कॉलम है जब इसके सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे इससे ωω(1), ωω(2), 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 ωω(3), व्हिच इज इक्वल टू 1 देन ωω(2)(1) इज इक्वल टू ωω(2), ωω(2)(ω) ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब का मीनिंग क्या हो गई 1 उसका मीनिंग ωω² × ωω² मींस ωω4 मींस ω³ × ωω क्यूब की वैल्यू 1 तो रिजल्ट क्या आएगा
ओमेगा। अब जो ये कंपोजिशन टेबल बनी इसका देखो ईच रो कंसिस्ट द सेम एलिमेंट एज इन द सेट वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो हमने ये कंपोजिशन टेबल बनाई है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन गिवन सेट जी। नेक्स्ट वी डिस्कस सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन और जी इज सेट टू सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टार इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। ये रिजल्ट जो डेफिनेशन हम यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी जो बता रहे हैं दिस इज इन एक्चुअल दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। जो हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं वो हम डिफाइन ही तो ये करते हैं कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स जी के कंसिडर करें तो बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद भी वो एलिमेंट किसका होना चाहिए जी का ही होना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द सेम। सेकेंड ये एग्जाम्पल देके बता रहे हैं एन इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बट नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। आप देखो जो n है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इसमें किसी भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा एक नेचुरल नंबर। लेकिन जब किसी भी दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिजल्ट का नेचुरल नंबर आना जरूरी नहीं है। मे बी नेचुरल मे नॉट बी नेचुरल। फॉर एग्जांपल 5 माइनस 7 आंसर क्या आएगा माइनस 2 विच डजंट बिलोंग्स टू n। सो माइनस साइन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n बट n जो एडिशन है दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। सो वी कैन से हियर एन इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। सेकंड एग्जांपल में बता रहा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन।